इस श्रृंखला में जिसमें मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने पर आपको एक इंटरव्यूज की सीरीज दिखा रही हूं। मैंने जो पिछले कुछ सालों में ये इंटरव्यूज लिए हैं उनकी शख्सियत के उनके पहलुओं को सामने आपके रखना चाहती हूं, जिसके दम पर वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं। आज इस सीरीज में 2013 का इंटरव्यू देखिए, तब तक उन्हें प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बीजेपी ने घोषित किया भी नहीं था, लेकिन वो खुद इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार होने का संकेत देने लगे थे। बल्कि ये बस तब की बात है जब राजनाथ सिंह पार्टी के प्रेसिडेंट थे और नरेंद्र मोदी बीजेपी की उम्मीद का चेहरा थे। देखिए ये इंटरव्यू। He's the man in the center stage, the Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, the man who everybody is looking for. Is he in the running for the top job for the 2014 elections? Mr. Narendra Modi, that's the biggest question. आपने कुछ दिन पहले ये कहा कि आपने गुजरात का कर्ज अदा किया है और अब देश का कर्ज अदा करने की बारी है, और इससे एक स्पेक्यूलेशन शुरू हो गई कि आपकी तरफ से ये पहल हुई है, क्या ये आपका एक इंडिकेशन है? देखिए, मीडिया की यही मास्टरी होती है कि हर चीज को स्पिन कैसे करना। हकीकत यह है कि हम बचपन से आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं और बचपन से हम लोगों को यही सिखाया है कि देश के लिए जीना सीखो, देश के लिए कुछ करो। और स्वाभाविक हमारी बातों में हम गांव में झाड़ू भी लगाते हैं तो लगता है कि देश के लिए काम करते हैं, हम गुजरात में गरीबों की सेवा के लिए कोई काम करते हैं तो भी हमको लगता है देश की सेवा करते हैं। और मैंने ये भी कहा है कि इस देश के सभी नागरिकों का जब तक ये भाव नहीं बनता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और ये हम सबका दायित्व बनता है के माहौल बनाएं कि आओ हम सब देश के लिए कुछ करें, और देश के लिए कुछ करने के लिए ये कहना कि फलाना पद होगा तभी देश पर देश के लिए किया जा सकता है, फलानी जगह पर होंगे तभी हो सकता है, तो देश चल ही नहीं सकता है। पर आपने खास कहा कि गुजरात का कर्ज अदा हो गया है, अब देश का कर्ज, तो इसका मतलब सेंटर स्टेज नई दिल्ली? अगर मेरा वो भाषण को सुनेगा तो मेरे पहले जिस सज्जन का भाषण हुआ उन्होंने ये कहा कि मोदी जी, गुजरात का कर्ज पूरा हो चुका है, अब देश का कर्ज पूरा कीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये मोदी को अकेले को कर्ज नहीं है, इस देश के 100 करोड़ देशवासियों के ऊपर भारत माता का कर्ज है और हम सबको ये कर्ज चुकाना है, और भारत माता के बेटे के नाते हम सबको भारत माता का कर्ज चुकाना है। लेकिन मोदी जी, आप सोशल मीडिया पे या वैसे बाकी मीडिया पे जो चल रही है एक बहस, उसको बड़े करीबी से देखते हैं, आपका अपना ब्लॉग है, आप बहुत कनेक्टेड चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं, हर जगह चर्चा यही है, क्या 2014 नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा या 2014 नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह होगा? मैं इतना जरूर मानता हूं कि 2014 में चुनाव का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी सेट करेगी, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी, और जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाया है वैसे ही देश की जनता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा अप्रैल 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और बहुत जिस तरह उनके साथ होता है मीडिया के साथ लुका छुपी, किस तरह से इंटरव्यू मिलेगा, मानते नहीं हैं, ज़्यादा कैमरा पर आना नहीं चाहते थे उस दौर में, और बस एक और पहल की थी मैंने और कोशिश की थी, और उनसे ये इंटरव्यू जब मिला तो पूछने की कोशिश की थी कि क्या वो
प्राइम मिनिस्टर रेस में अपना हैट डाल रहे हैं। तो ये उस दौर का इंटरव्यू था और मैं आपको बताना चाहती हूँ दर्शकों, इस इंटरव्यू के ठीक 2 महीने बाद गोवा का अधिवेशन हुआ था बीजेपी का और मोदी कैंपेन कमेटी चीफ बने थे, जो ऐलान था बीजेपी का कि वो उनके प्राइम मिनिस्टीरियल फेस रहेंगे इस चुनाव में। और यही था वो इंटरव्यू जब से ये पहल शुरू होनी हो गई थी शुरू कि मोदी जी सेंटर स्टेज दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।